अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इमेज की प्रॉपर्टीज़ सीएसएस में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इमेज का टैग लगाया है, इसे हम ब्राउज़र में व्यू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज है, अब हम इमेज की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। सबसे पहले हम इमेज का सिलेक्टर यूज़ करेंगे। अगर आप अपने इमेज पर को हाइट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगाएंगे हाइट की प्रॉपर्टी और इसकी हाइट दे देंगे। इसी तरह अगर आप अपनी इमेज को विड्थ देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसे भी हम 400 पिक्सल कर देते हैं। इसे हम सेव करते हैं और ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली सेट होगी। इसी तरह से अगर आप इमेज को बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं 7 पिक्सल, बॉर्डर की टाइप बता देंगे और साथ बॉर्डर का कलर दे देते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ की है बॉर्डर की, जिसमें मैंने बॉर्डर की विड्थ बताई है, बॉर्डर की टाइप बताई है और बॉर्डर का कलर दिए है। इसे हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इमेज पर बॉर्डर आ गया। आप चाहें तो यहाँ से टाइप चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे डॉटेड दे देते हैं, इसे हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर जो है वो डॉटेड हो गया। अगर आप इमेज की ओपेसिटी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसे हम 0.4 दे देंगे ओपेसिटी को, सेव करेंगे। तो हम यहाँ पर ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इमेज की ओपेसिटी भी चेंज होगी।